मुंबई के ट्रॉम्बे में नाबालिग से 21 घंटे तक गैंगरेप, आरोपी पर एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का भी आरोप। पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, 3 गिरफ्तार आरोपियों को 12 जुलाई तक पुलिस हिरासत। बागगढ़ इलाके में शुक्रवार को फटी पानी की पाइपलाइन, सड़क पर दिखा सैलाब का मंजर, पास में ही खेल रहे 2 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस फिर से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बचे, इससे पहले लातूर और गढ़चिरौली में हुए थे उनके साथ हादसे। पुणे में बिजली दफ्तर में तोड़फोड़, 8 दिनों से बिजली नहीं होने से लोग थे खफा। इंद्रानी मुखर्जी को भाई खर्रा जेल से निकालकर दूसरे जेल भेजने की तैयारी, जेल में दंगा भड़काने का है आरोप। मुंबई के बाइकुला जेल में हुई हिंसा मामले में आरोपी की कोर्ट में पेशी, सभी की पुलिस हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसेना के विधायक बालू धानोरकर का ढोल नगाड़ा आंदोलन, कर्ज माफी के दायरे में आने वाले किसानों की लिस्ट सरेआम करने की मांग। औरंगाबाद में महापौर और नगर निगम आयुक्त के 5 दिन के चीन दौरे का विरोध, नगर निगम के गेट पर चीन का जलाया झंडा। दहीहंडी मंडल के कार्यकर्ता एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मिले, कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकारी ऑर्डिनेंस के लिए जुटा रहे हैं समर्थन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बताया मुंबई हुई खुले में शौच से मुक्त। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 12 जुलाई से किसानों के साथ करेंगे मुलाकात, धुले से होगी इसकी शुरुआत। लैंड डील मामले में पूर्व मंत्री एकनाथ खड़के को मिल सकती है क्लीन चिट, जांच कर रही कमेटी ने माना मामला अनैतिक लेकिन क्राइम नहीं। कांग्रेस नेता अशोक चौहान का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप, किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है सरकार। नीमा उपाध्याय मर्डर केस के आरोपी चिंतन उपाध्याय मुंबई की जेलों में आयोजित करेंगे पेंटिंग वर्कशॉप, कैदियों को सिखाएंगे चित्रकला। पुणे के पिंपरी इलाके में शमशान की जगह नहीं होने से लोग नाराज, बीच सड़क पर ही किया अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र में रेरा को लेकर सरकार सख्त, प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी तारीख। मुंबई में रेलवे स्टेशन के बाद अब 5 मेट्रो स्टेशन पर भी शुरू होगी 1 रुपए वाली क्लिनिक सेवा, 15 अगस्त से होगा अगस्त। मुंबई में अब पार्किंग होगा महंगा, बीएमसी निकालेगी 91 पार्किंग का टेंडर, पार्किंग के दरें 40 रुपए तक होंगी महंगी। साई बाबा के नगरी शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव के धूम, पुणे से आए पालकी का श्रद्धालुओं ने किया शानदार स्वागत। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्री बनी दीपिका पादुकोण, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के लिए ले रही है 12 करोड़ रुपए। नई कार में गर्लफ्रेंड लूलिया के साथ नजर आए सलमान खान, शाहरुख खान ने कार दी थी गिफ्ट। 20 साल के रणवीर सिंह का बन रहा है मोम का पुतला, पेरिस के ड्रेविन संग्रहालय में रखा जाएगा ये पुतला। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस के आने वाली फिल्म अ जेंटलमैन का ट्रेलर मुंबई में दिखाया गया, डबल किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन एक साथ फिर नजर आएंगे एक म्यूजिक वीडियो में, दोनों होंगे साथ साथ।